हाय गाइस, राहुल फ्रॉम दिस साइड फ्रॉम आशा बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शंस। आज मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़न दूर करूंगा। जो चंडीगढ़ के पास प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, चाहे तो वो हिमाचल के क्लाइंट्स हो, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे वो अपर हिमाचल हो, ठीक है, चाहे वो जम्मू हो, तो मोस्टली चाहे दिल्ली नोएडा हो, मोस्टली क्या होता है कि सब क्लाइंट्स को ना ये समझ नहीं आता कि मैं प्रॉपर्टी लूँ कहाँ पर। क्योंकि चंडीगढ़ के नियर बाई जब तो पंचकूला पड़ता है, जीरकपुर भी पड़ता है, राइट, खरड़ भी पड़ता है, और सबसे बढ़िया एरिया सन्नी क्ले पड़ता है। तो मोस्टली क्या है कि मैं आज बात करूंगा कि अगर आप कन्फ्यूज़ हो तो मैं आपकी कन्फ्यूज़न थोड़ी सी दूर करूंगा। तो मोस्टली क्या है कि जो सन्नी क्ले का एरिया है वो ऐसा एरिया कि अगर आपका घर सन्नी क्ले के अंदर है तो 20 से 25 मिनट में आप कहीं भी जा सकते हो। कह लो अगर आपने 26 सेक्टर जाना है एज ए क्लबिंग करनी है, आपने अगर कोई 22 सेक्टर के मार्केट जाना है, तो कहीं भी 20 से 25 मिनट में कहीं भी जा सकते हो। रीज़न ये कि सन्नी क्ले ऐसा एरिया जो चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है। अगर आपको मानते कि आपके रिलेटिव जीरकपुर भी रहते हैं या पंचकूला भी रहते हैं, तो जीरकपुर जाने के लिए भी इतना टाइम नहीं लगता। रीज़न क्या कि ये 200 फीट रोड है, ये वाला सीधा रोड है 200 फीट रोड जो जीरकपुर के लिए आ रहा है। अगर आप यहाँ सन्नी क्ले आपका घर है तो 20 से 25 मिनट आपको जीरकपुर के लिए लगेंगे। कहने का मतलब ये ऐसी लोकेशन है, बिल्कुल सेंटर पड़ता है, राइट। अगर आप कुराली चंडीगढ़ रोड पकड़ोगे, कुराली वाला एरिया बड़ा डेवलप हो रहा है। अगर आप हिमाचल से हो, हिमाचल बेल्ट है, जो लो हिमाचल है, वो सन्नी क्ले भी जा सकती है। जो कुराली रोड पे हमारा प्रोजेक्ट है दनोर चंडीगढ़ के नाम से, वहाँ पे हम प्लॉटिंग वगैरह और विलाज लेके आ रहे हैं। और पहले हम 10 प्रोजेक्ट हम हैंड ओवर कर चुके हैं और 6,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को पोजेशन दे चुके हैं। अगर आप लो हिमाचल बेल्ट है, आप सन्नी क्ले भी ले सकते हो और कुराली चंडीगढ़ हाईवे लुधियाना हाईवे भी ले सकते हो, राइट। ये एक्चुअली ये सन्नी क्ले ऐसा एरिया है, अगर आप घर लेते हो यहाँ पर, चाहे फ्लैट बुक करते हो, और अगर आपका घर सन्नी क्ले के अंदर है, तो आपको थोड़ा सा मैप समझा देता हूँ। इसके लिए क्या है, ये सन्नी क्ले है, यहाँ पे गोपाल स्वीट्स है, यहाँ पे वीआर पंजाब मॉल है, बल्लो माजरा पिंड के अंदर ये एनसीएम मॉल पड़ता है, ये चंडीगढ़ खरड़ चंडीगढ़ हाईवे है, राइट। ये दारा स्टूडियो रोड है, इधर खरड़ आ गया। सन्नी की एंट्री होते ही यहाँ पे 123 सेक्टर है जो एयरपोर्ट रोड है, राइट, इधर 124 पड़ता है। ये मुल्लापुर रोड जा रहा है न्यू चंडीगढ़, यहाँ पे आपको पता है कि 75,000 पर गज है, और 1.5 से 2 करोड़ से यहाँ पे फ्लैट स्टार्ट होते हैं, सिर्फ 5 किलोमीटर आगे जाके, सिर्फ 6 मिनट का डिस्टेंस है। और अभी 124 सेक्टर की बहुत अच्छी एप्रिसिएशन होने वाली है। 123 तो एप्रिसिएशन में हो ही क्या, 125 भी पूरा फुल है, कोठियों से भरा हुआ है ओल्ड सन्नी क्ले, राइट। ये है कि जब आप गोपाल से एंटर करते हो, अभी क्या है कि 124 आने के लिए आपको ना घूम के आना पड़ता है अरिस्टा पैलेस की साइड, राइट। अभी जो गोपाल से 500 मीटर आगे जाओगे जहाँ पे भट्ठा आता है, ये वाला जो रोड है ना, ये चौराहा बनता है 124 में, 200 फीट यहाँ पे रोड बना हुआ है, 200 फीट रोड बना हुआ है, थोड़ा सा पैच पेंडिंग है। जैसे ये पैच कंप्लीट हो गया तो आपको 124 जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट ही लगा करेंगे, बड़े बड़े रोड से आना पड़ेगा आपको, राइट। अभी हम घूम के जा रहे हैं, और इसकी 124 में अगर आप फ्लैट कोठी या प्लॉट ले रहे हो तो आप बहुत अच्छी एप्रिसिएशन है इसकी इन फ्यूचर। जैसे आपने देखा होगा एरो सिटी में अभी 1.25 लाख गज पहुँच गया, वहाँ पे 12-13 हज़ार गज रेट मिलता था, है ना। जैसे वेव स्टेट है सेक्टर 85, वहाँ पे 45 लाख का फ्लैट था, और आज देखो एक 40 से 45 CR का 1.5 करोड़ से ज़्यादा का फ्लैट हो चुका है। रीज़न की एप्रिसिएशन। तो मोस्टली मैं सोच रहा हूँ तो प्रॉपर्टी वहीं लेनी चाहिए जहाँ पे एप्रिसिएशन होनी है। आपने लगाया 40 और आपका 1-2 साल में हो गया 80 लाख, प्रॉपर्टी आपकी 80 लाख की हो गई। इन्वेस्टर के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 124 सेक्टर हो गया, सन्नी क्ले एरिया हो गया, जब कुराली चंडीगढ़ रोड हो गया, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, बहुत अच्छी एप्रिसिएशन मिल रही है। और लांडा रोड भी बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सन्नी क्ले ज़्यादा बेस्ट कहूँगा, क्योंकि ये सेंटर पड़ता है, नियर बाय सब कुछ यहाँ पड़ता है। अभी आप गोपाल से एंटर करते हो तो आप 124 घूम के आते हो। ये थोड़ा सा छोटा सा पैच है जो पेंडिंग है, अगले साल तक जैसे रन हो जाएगा तब आपको 124 आने के लिए बिल्कुल 5 मिनट लगा करेंगे गोपाल से। अगर आपने चंडीगढ़ जाना तो 124 सेक्टर का आपका घर है, निकलोगे घर 200 फीट रोड पकड़ोगे, या तो आप अगर अपने जीरकपुर जाना तो ये रोड आओगे, अगर आपने चंडीगढ़ जाना तो ये दारा स्टूडियो रोड आओगे। मीन्स कि आप 124 सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि हार्डली 10-15 मिनट नियर बाय सब कुछ मिल जाएगा आपको। एनसीएम मॉल है इतना बड़ा, शॉपिंग कम्प्लेक्स है बड़े बड़े, तो काफ़ी अच्छा एरिया है। तो जो जीरकपुर भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि देखो जीरकपुर बहुत ट्रैफिक रश एरिया है, टोटली मैं नेगेटिव नहीं करूँगा, जिसको जिसका बिजनेस जीरकपुर है वो जीरकपुर ले सकता है, राइट। बाकी अगर आप थोड़ा सा कोई डेवलपमेंट, तो ओनली मोहाली में ही हो रही है ज़्यादा, मेट्रो भी मोहाली में ही आ रही है, चंडीगढ़ आ रही है, तो मोस्टली ये वाला एरिया मैं प्रेफर करूँगा। अगर आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो तो सन्नी क्ले इज़ द बेस्ट एरिया। बाकी आप
लैंडर रोड भी प्रेफर कर सकते हो, बट लैंडर रोड थोड़ा सा रिस्की है। रीज़न ये कि वो बहुत छोटा रोड है, वो कभी रोड बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वो ट्रकों से भरा होता है टोटली रोड, वो आसपास सारे शोरूम्स हैं। और अगर आपका घर लैंडर रोड पे तो बहुत रिस्की है, अगर रात को अगर फैमिली के साथ गाड़ी लेकर निकल तो आप ट्रकों को बहुत फेस करोगे, चाहे आप पहले आप देख भी सकते हो। तो लैंडर रोड थोड़ा सा नेगेटिव बोल सकते हैं हम इस चीज़ को। सन्नी क्ले में बड़े बड़े रोड है, हाईवे है, नियर बाय सब कुछ है, अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, नियर बाय बसा हुआ एरिया है, तो आप यहाँ प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हो। बाकी हमारे 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हम हैंड ओवर कर चुके हैं सन्नी क्लेव के अंदर, और 10,000 से ज़्यादा फैमिलीज को पोजेशन दे चुके हैं। बाकी जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं 123 में चल रहे हैं, 124 में चल रहे हैं, 125 में चल रहा है। बाकी आप प्लान करें तो प्लीज़ आए, हमारी प्रॉपर्टीज़ देखें, आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। बाकी सन्नी क्लेव वाला जो एरिया है काफ़ी अच्छा एरिया है, मैं तो यही बोलूँगा। बाकी आप आके देखो, चीज़ों को समझो, एप्रिशन बहुत अच्छी है 124 सेक्टर सन्नी क्लेव की, क्योंकि ये बिल्कुल चंडीगढ़ के पास पड़ता है।